हेलो भाई लोग, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्लैम जोन पे। तो आज हम लोग मैच कराने जा रहे हैं, द जायंट्स वर्सेस ब्रोक लेसनर, सीना अंडरटेकर। आयरन मैन मैच है, 1-on-3 हैंडीकैप मैच है। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइम ले रहा है भाई, जल्दी स्टार्ट होके क्या कर रहा है। चलो भाई, आयरन मैन मैच है, आप लोग को रूल पता ही है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओ, आते ही यहाँ पर ब्रोक लेसनर ने F5 लगा दिया। उम्मीद करूंगा कि रिवर्स हो। नहीं हुआ, कोई नहीं, होता है कभी कभी। इतनी जल्दी पॉइंट नहीं बनने वाला ब्रॉक। बैक टू बैक फिनिशर लगा रहे हैं यार, बिग्स तो क्या कर रहे हो, रिवर्स कर दे ना। कमोरा लॉक, कोई चांस ही नहीं है। चलो भाई, फाइनली यहाँ पर खली सर ने आके बचा लिया है, नहीं तो यहाँ पर एक पॉइंट बना लेते हैं यहाँ पर ब्रॉक। रेजिलियंस तो चली ही जाती कम से कम। डबल रिवर्सल ब्रोक, भूल गए हो क्या। चलो भाई, यहाँ पर मैं तो कहूँगा यार, बिक्सो थोड़ी देर के लिए टैग दे दो खली सर को। चलो भाई, यहाँ पर डबल चोक स्लैम से शुरुआत करना खली। देखते हैं भाई कौन सी टीम सबसे ज्यादा पॉइंट बना पाती है। यहाँ तक मैं अभी अगर अपने इस एक्सपीरियंस से बताऊँ तो अभी एक बंदे को और आ जाने दो, उसके बाद ही बता पाऊँगा। बिक्सो क्या कर रहा है, स्टंड बिक्सो यार, कोई चांस ही नहीं है। ब्रोक के पास यार एक सिग्नेचर आ चुका है थोड़ा सा बिक्सो। आज ब्रोक लेसनर को क्या हो गया यार, बहुत खतरनाक खेल रहे हैं यार, स्टार्टिंग से ही मैं नोटिस कर रहा हूँ। इतना ज़्यादा खतरनाक तो मेरे हिसाब से कभी नहीं खेले। देख रहे हो, ब्रोक एकदम टारगेट किए, कहीं भी बिक्सो जा रहे हैं वहीं के पीछे पीछे। थोड़ा यहाँ गंवारी शब्द बोल दिया मैंने, लेकिन मेरे लिए वो एकदम नॉर्मल है। चलो भाई, मल्टीपल सुप्लेक्स भी लगा दिया है अली सर। क्या कर रहे हो, सबसे ज़्यादा डैमेज इस समय तुम ही हो। चलो भाई, बिक्सो थोड़ा बचा तो लेंगे, लेकिन अपनी एंट्री खो देंगे। ये लो भाई, अगर इस बार खली सर ने रिवर्स नहीं किया तो चांस ही नहीं है रिवर्स का। भाई साहब, खली सर तो आते ही पूरे एक पॉइंट बना लिया ब्रोक लेसनर ने। क्या कर रहे हैं यार खली सर, रेजिलेंस यूज कर लेते इससे अच्छा तो। ब्रोक लेसनर का टैग देने का लग रहा है कोई इरादा ही नहीं है। बिक्सो क्या कर रहे हो, डायरेक्ट चेक चोक स्लैम लगाओ ना भाई। ब्रोक लेसनर पूरी तरीके अग पगला चुके यार, एकदम गुस्से में, पता नहीं क्यों लग रहा है। पिछला मैच जीतते जीतते हार गए थे शायद, तभी सीना को टैग दे दो, मानना पड़ेगा यार। ये बिक्सो बिल्कुल सही लग रहे हैं, थोड़ा सा एडिट करना बाकी है, थोड़ी सी आंखों का कलर थोड़ा ज्यादा। एक सेकेंड, क्या कर रहे हैं बिक्सो यार, मैंने डिस्क्वालिफिकेशन ऑन रखा है। यहाँ पर बिक्सो अपनी टीम को हरवाने में लगे हैं। अच्छा, आयरन मैन का कोई रूल नहीं है, वो शायद इनेबल तक ही नहीं यार, मैंने ध्यान नहीं दिया यार, मानना पड़ेगा। या ब्रोक लेसनर किसको टैग दिए, चलो सीना को टैग दे दिए। अगर अब टैग अब पॉइंट नहीं बना पाए तो भाई सुपर फिनिशर लगा दिया, कोई चांस ही नहीं है। खली सर की एंट्री है कि नहीं, यस खली सर की एंट्री अभी अवेलेबल है, तो बचा लेंगे, एक पॉइंट बनने से बचा लेंगे। लेकिन 11 मिनट का समय हमारे पास अभी भी है बस। नहीं तो भाई ये पॉइंट बना लेते हैं, आराम से बना लेते हैं। रेजिलेंस मीटर बैन है फिलहाल बिक्सो का भी, यानी कि अगर कोई भी फिनिशर लगाता है तो आराम से एक पॉइंट बना लेंगे, बन जाएगा। मतलब अंडरटेकर का अगर फिनिशर लगा देते हैं तो उम्मीद करूंगा रिवर्स कर दे यार, जैसे कर दिया कर दिया कर दिया, नहीं किया यार सेट। क्या लगता है, रेजिलेंस पॉइंट बन गया भाई। उनके अपोनेंट टीम के पास दो दो पॉइंट है उनके, हम लोग की टीम के पास फिलहाल एक भी पॉइंट नहीं है। देखना ये होगा कि लास्ट तक एक दो पॉइंट बना पाते हैं या नहीं है। खली सर को टैग दे दो बस, खली सर ही अंडरटेकर को के साथ खेल सकते हैं फिलहाल यार। बिक्सो दोनों को बहुत ज़्यादा लग, सबसे ज़्यादा ब्रोक लेसनर यार खतरनाक खेले, पता नहीं आज इतना खतरनाक मैंने कभी नहीं देखा ब्रोक लेसनर खेलते हुए। खली सर यार फिनिशर देखने के लिए ले लिए,
चलो लगा दिया, मेरे बोलने से पहले ही लगा दिया, तभी मैं बीच में अटक गया कि क्या बोलूँ अब। चलो यार ये तीनों आके तीन तीन फिनिशर, ये देखो यार करने लगे ना बेवकूफ़ी। अंडरटेकर को लगाना था ताकि ये पॉइंट बने, उनको लगा कि क्या फ़ायदा है, ब्रॉक लेसनर की हेल्थ भी नहीं जाएगी और वो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता यार, यकीन मानो। एक पॉइंट यहाँ पर बना सकते थे अंडरटेकर, लेकिन लो भाई लास्ट राइड का रेजिलेंस भी गई खली सर की। अब तो भाई कोई भी एक दो मारेगा, स्टंट हुए पॉइंट बन गया। लो भाई तीन चार चार पॉइंट, तीन पॉइंट हो गए यार। लग रहा है मैंने गलत करेक्टर चूज कर लिए हैं, तीनों खतरनाक हैं। अब मतलब सीना है खतरनाक लेकिन 2K24 में नहीं है, लेकिन सीना की परफॉर्मेंस भी जबरदस्त दिख रही है मुझे अब। सबमिशन लगा दिया, नॉर्मल सबमिशन में अगर टैप कर दिया ना तो भाई इससे खराब तो कुछ हो ही नहीं सकता। चलो फिलहाल बच गए, चलो भाई अभी सीना की एंट्री ओपन है। बिक्सू यार तुम क्या कर रहे हो, पिछले मैच में कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे थे। ये फिनिशर है मुझे लग रहा है कि नॉर्मल मूव से, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है। अच्छा नॉर्मल सबमिशन था ये, क्या कर रहे हैं बिक्सू यार, फिनिशर लगाओ ना। तीन तीन फिनिशर है, एक चोक स्लैम की ज़रूरत है। उम्मीद है कि यार रिवर्स ना कर दे अंडरटेकर, क्योंकि इसमें रिवर्सल भी है। चेयर लेके आए भाई, डैमेज कर देंगे बिक्सो को। मैं इतना ज़्यादा थोड़ा खो गया था कि मैं रूल ही भूल गया था अभी थोड़ी देर पहले। चलो भाई अंडरटेकर बहुत हो गया, अब टैग दे दो यार। ये मैच मुझे लग रहा है ये लोग जीत जाएंगे, क्योंकि तीन पॉइंट बना चुके हैं 7 मिनट में। अभी हम लोग क्या करेंगे, अपने वाले यार फिनिशर यूज ही नहीं कर रहे। बिक्सो को देखो तीन तीन फिनिशर यूज नहीं किया, खली सर के बाद तीन तीन थे यूज नहीं किया। देखते हैं क्या होता है। चलो भाई सीना को टैग मिल गया है, अब अगर ये लोग एक पॉइंट तो यार कम से कम बना ही लो। बिक्सो भाई से बहुत उम्मीद है। चलो यार सीना के पास सिग्नेचर आ गया है भाई, वो भी लगा देंगे क्या, मुझे लग रहा है यस लगा दिया। बस अभी खली सर की एंट्री बैन नहीं है तो बचाने आ सकते थे अगर ओ भाई ये जी सही है। ब्रोक के पास एक फिनिशर है, अब क्या लगता है एक पॉइंट और बना पाएंगे। वैसे खली सर आके बचा लेंगे, बहुत ज़्यादा चांस है। हाँ टैप आउट कर, टैप कर दिया तो भाई जल्दी आओ खली सर, इतना लेट ना करो। क्या कर रहे हैं यार, इतना लेट कौन करता है, 4 पॉइंट हो गए। टैप आउट कर दिया था यहाँ पर बिक्सो ने, सॉरी टैप आउट नहीं टैप कर दिया था। मैं टेंशन में आ गया हूँ, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है। लो भाई सीन अभी अब लग रहा है एक पॉइंट बनाएंगे, अब बना लिया। अब मैं क्या ही बोलूँ भाई, ये लोग तो बरसात कर दिए हैं। 5 पॉइंट हो गए इनके टोटल, हम लोग के 0-0-5 है। चलो भाई खली सर को टैग मिल गया है, अब हम लोग मैच का जो रिजल्ट है वो सभी को पता चल गया। अब हम लोग ये देखते हैं कि खली सर और बिक्सो में सबसे पहले खाता कौन खोलता है, अभी ये देखा जाए। हम लोग अगर ऐसा नहीं हुआ तो यार मैं इनको कभी नहीं लूँगा। देख रहा हो यार, मुझे लग रहा है इन दोनों में से कोई भी मैच करने को तैयार नहीं है। एक एक मिनट में, एक 10 सेकंड में टैग चेंज कर रहे हैं। चलो भाई सीना को टैग मिल गया है, कहाँ है सीना यार, सीना भी काफ़ी दमदार खेल रहे हैं।
एक चीज मैंने नोटिस किया, जब थोड़े जायंट की टीम में सीनियर रहते हैं तो बहुत सही खेलते हैं, जायंट सॉरी जायंट नहीं, मतलब कुछ करेक्टर्स को ले लो तो उनके साथ काफ़ी अच्छा खेलते हैं, उनके साथ काफ़ी अच्छा मर्ज करते हैं। ओ भाई दोनों को टपका मार के आ रहे हैं सीना, सीना के पास अभी एक फिनिशर आने वाला है, सिग्नेचर भी आने वाला है। लो भाई फिनिशर तो आ गया, अब मुझे लग रहा है कि ये लोग बस टॉन टैग कस रहे हैं, क्योंकि भाई एक एक सेकंड में टैग चेंज कर रहे हैं और लपेट लपेट के जा रहे हैं एक एक पॉइंट बना बना के। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यार ये लोग आज 7 पॉइंट बना लेंगे, 5 हो गए बना लेंगे। अभी किसके पास, ब्रोक के पास अभी ग्रेट खलीसर की एंट्री ओपन है। चलो 4.5 मिनट बचे हैं, क्या लगता है एक पॉइंट भी बना पाएंगे कि नहीं हम लोग? भाई आज रिवर्सल क्यों नहीं कर रहे हैं ये लोग? चलो भाई यही बाकी था, देखा मैंने कहा था ये लोग केवल टॉन्ट कस रहे हैं और कुछ नहीं, स्टाइल मार रहे हैं। ये मैच भाई ये लोग जीत चुके हैं, अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका है। पॉइंट बना लिया बना लिया, सभी लोगों ने अपना दो दो पॉइंट बना रखे हैं, सीना ने भी दो, ब्रोक ने भी दो, अंडरटेकर ने भी दो, हमारी टीम में अभी एक भी खाता तक नहीं खुला है यार। अगर मैं जेंट्स की जगह कोई हैवी वेट वाला ले लेता मेरा यकीन मानो यार एक खाता तो खुल ही चुका होता अब तक। चलो फाइनली एक रिवर्स तो किया बिक्सो ने, मुझे तो ये लग रहा है कि बिक्सो का ये पहला रिवर्सल था इस समय पूरे मैच के अंदर। चलो चौप लगा दिया भाई, कोई ना कोई बचाने आ जाएगा, कोई मतलब नहीं है। डबल चौक स्लैम, एक पॉइंट बना सकते हैं अगर कोई ना आया तो। देखो ब्रोक भाई कितनी जल्दी दौड़ के आए, अपना खाता नहीं खुलेगा आज। चलो भाई सीना भी नीचे कुछ लेने के लिए उतर गए हैं, बिक्सो डैक अंदर भेजो। चलो ठीक है, अभी भी क्रिएट कलिसर के पास एक फिनिशर बचा हुआ है, बिक्सो के पास यार 3 3 6 6 7 7 फिनिशर थे, यूज ही नहीं किया, सब वेस्ट गए। चोक स्लैम लगाना भाई, अरे यार कोई बात नहीं, चलो फाइनली एक फिनिशर लगा दिया है बिक्सो ने, लेकिन अंडरटेकर आके बचा लेंगे। एक और लगाना पड़ेगा एक पॉइंट खोलने के लिए, 1.5 मिनट अपने पास बचे हैं, कम से कम एक पॉइंट तो बनाना ही पड़ेगा बिक्सो, एक पॉइंट इज्जत का सवाल है। भाई आज मैं बता दूं कि आज मैं लाइव आने वाला हूँ 6 बजे के राउंड, मुझे तो लग रहा था यहाँ पर एक सीन अप पॉइंट बना लेंगे, 1 मिनट बचा है यार, एक पॉइंट तो बनाना ही पड़ेगा। डबल टीम अप कर रहे हैं बताओ ये लोग, नहीं किया कोई बात नहीं, सीना आज अकेले ही काफ़ी है, बड़े बड़े जैंट को झेल रहे हैं अकेले, भोग भी रहे हैं। कोई चांस नहीं है अपना आज, एक भी खाता नहीं खुलेगा।
जाते जाते भी बताओ डबल टीम अप करके जा रहे हैं। चलो भाई मिलते हैं लाइव में, ठीक है। Here.